अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि कंप्यूटर के अंदर डाले गए डाटा को कंप्यूटर किस तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम्स यानी वन और जीरोस की शक्ल में अपने अंदर महफूज करता है। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर मौजूद डाटा को नापने के लिए जिन यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बिट, बाइट और वर्ड, वो डिटेल में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स का आगाज करने जा रहे हैं वो आपकी बुक के अंदर तो मौजूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई जाने वाली दूसरी बुक्स के अंदर इस टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि कंप्यूटर स्टोरेज क्या है, कंप्यूटर स्टोरेज की टाइप्स कौन सी हैं और प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। दोस्तों, आइए अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, लेक्चर नंबर वन में हमने ये जाना था कि कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन डाली जाती है, कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन पर काम करता है और काम करने के बाद रिजल्ट की फॉर्म में हमें आउटपुट दे देता है। इन तमाम कामों के अलावा कंप्यूटर इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट की गई इंफॉर्मेशन को अपने अंदर महफूज करने की सहूलत भी हमें मुहैया करता है। कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन के महफूज करने के अमल को स्टोरेज कहा जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हमें आउटपुट की शक्ल में मतलूबा रिजल्ट मिल रहा होता है तो फिर हमें स्टोरेज की जरूरत क्यों पेश आती है। तो दोस्तों, एक बार आपके कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन महफूज हो गई तो आप उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ना सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि उस इंफॉर्मेशन को तब्दील भी कर सकते हैं। दोस्तों, वो तमाम डिवाइसेस जिनके जरिए कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को महफूज किया जाता है वो स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं। इस तरीके से आप अपने दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन को महफूज कर सकते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ आपके दिमाग के अंदर महफूज इंफॉर्मेशन को आप भूल सकते हैं। लेकिन एक बार कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हो गई तो कंप्यूटर उसको भूल नहीं सकता। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर मौजूद स्टोरेज के अंदर क्या क्या खसूसियात मौजूद होनी चाहिए। दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर दो तरह की मेमोरीज मौजूद होती हैं, प्राइमरी मेमोरी या फिर प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी मेमोरी या फिर सेकेंडरी स्टोरेज। आइए इनको बारी बारी डिटेल में पढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी, जब आप कंप्यूटर को खरीदते हैं तो कंप्यूटर के साथ कोई ना कोई मेमोरी उसके साथ आती है जो कि प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी कहलाती है। दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर मौजूद मदरबोर्ड पर मुश्तमिल होती है, यानी मदरबोर्ड पर एक खास जगह पर लगाई जाती है। दोस्तों, जिस तरीके से मेमोरी की दो इकसाम है, बिल्कुल इसी तरीके से प्राइमरी मेमोरी की भी दो किस्म है, रैम और रोम। आइए इनको बारी बारी डिटेल में पढ़ते हैं। रैम मुखफ्फिफ है रैंडम एक्सेस मेमोरी का। दोस्तों, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि इसके ऊपर मौजूद डेटा को निकालने के लिए किसी किस्म की तरतीब की जरूरत नहीं होती, बल्कि डायरेक्टली आप इसके ऊपर मौजूद डेटा को निकाल सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप कंप्यूटर में कोई काम करते हैं, इनपुट, प्रोसेस या फिर आउटपुट, वो सबसे पहले इसी मेमोरी में जाकर महफूज होता है। ये उन प्रोग्राम्स या फिर डेटा को स्पेस फराहम करता है जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर करंटली प्रोसेस हो रहे होते हैं, यानी जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर चल रहा होता है वो तमाम चीजें प्राइमरी मेमोरी के अंदर जाकर महफूज होती हैं। दोस्तों, जिस तरीके से आपकी टीचर बोर्ड पर कुछ लिखती है, उसको समझाती है और फिर उसको मिटा देती है, बिल्कुल इसी तरीके से जब भी आप किसी वजह से कंप्यूटर को बंद करते हैं तो रैम के अंदर मौजूद डेटा भी बोर्ड पर मौजूद डेटा की तरह मिट जाता है या फिर उड़ जाता है और इरेज हो जाता है। इसीलिए उसको वोलेटाइल मेमोरी या फिर टेम्पररी मेमोरी भी कहा जाता है। दोस्तों, रैम के अंदर मौजूद डेटा को आप ना सिर्फ तब्दील कर सकते हैं बल्कि उसके अंदर मजीद और डेटा को ऐड कर सकते हैं और उसके अंदर मौजूद डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। आमतौर पर रैम दो तरह के सर्किट्स पर मुश्तमिल आती है, सिम और डिम। आइए हम जानते हैं कि इन दोनों में क्या मेन डिफरेंस है। सिम मुखफ्फिफ है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल का और डिम मुखफ्फिफ है डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल का। दोस्तों, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि सिम के अंदर रैम की चिप सिर्फ एक साइड पर मौजूद होती है, जबकि डिम के अंदर रैम की चिप्स डुअल साइड यानी दोनों साइड्स पर मौजूद होती हैं। दोस्तों,
सिम 7 के अंदर 72 पिंस मौजूद होती हैं, जबकि डिम के अंदर इससे डबल यानी 168 से लेकर 224 तक की पिंस मौजूद होती हैं। सिम एक वक्त में 32 बिट के डाटा को ट्रांसफर कर सकता है या फिर एक वक्त में 32 बिट के डाटा को अपने अंदर महफूज करने की सलाहियत रखता है, जबकि डिम जो कि सिम की निस्बत दुगने तरीके से काम करता है, ये एक वक्त में 64 बिट के डाटा को सपोर्ट करता है यानी 64 बिट के डाटा को अपने अंदर महफूज करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों आमतौर पर सिम की लंबाई 4.25 इंचेस और चौड़ाई 1 इंच पर मुश्तमिल होती है, जबकि डिम 1.67 से लेकर 5.25 की इंचेस तक की लंबाई पर मौजूद होता है। डिम की इतनी खसूसियात और तेज रफ्तारी की वजह से अब सिम का इस्तेमाल बिल्कुल खत्म हो चुका है। दोस्तों इस तरीके से रैम की दो एक प्राइमरी मेमोरी की दो किस्म है, बिल्कुल इस तरीके से रैम की भी दो किस्म है, डी रैम जिसको डायनेमिक रैम भी कहा जाता है और एस रैम जिसको स्टैटिक रैम भी कहा जाता है। डी रैम कैपेसिटर्स से मिलकर बनती है, जबकि एस रैम फ्लिप फ्लॉप के सर्किट से मिलकर बनती है। दोस्तों कैपेसिटर्स की वजह से इनके अंदर मौजूद डेटा को बार बार रिचार्ज या फिर रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, क्योंकि कैपेसिटर जिस तरीके से एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करते हैं वो इसी तरीके से एनर्जी को लीक भी कर देते हैं, यानी इनके अंदर मौजूद चार्ज डिस्चार्ज होना भी शुरू हो जाता है। जबकि एस रैम के अंदर मौजूद डेटा जब तक इसके अंदर मौजूद रहेगा, जब तक इसको पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी, इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए एस रैम आमतौर पर डी रैम के मुकाबले में महंगी होती है। और एस रैम जिस सर्किट पर मुश्तमिल होती है वो भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि आप देख सकते हैं कि डी रैम के ऊपर मौजूद सर्किट यानी एक बिट को अपने अंदर महफूज करने का सर्किट डी रैम का कितना ज्यादा सिंपल है। दोस्तों डी रैम आमतौर पर मेन मेमोरी के लिए इस्तेमाल की जाती है, जबकि एस रैम आमतौर पर कैशे मेमोरी के लिए इस्तेमाल की जाती है। कैशे मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कि माइक्रो प्रोसेसर के साथ जुड़ी हुई होती है। इसके अंदर वो तमाम डाटा मौजूद होता है जो कि बार बार इस्तेमाल किया जा रहा होता है, और इस डाटा की वजह से माइक्रो प्रोसेसर बहुत तेजी के साथ इंस्ट्रक्शंस को निकालता है और उनके ऊपर काम कर सकता है। दोस्तों मेन मेमोरी में मौजूद होने की वजह से आमतौर पर डी रैम आहिस्ता काम करती है, लेकिन इनके अंदर एक खसूसियत मौजूद है कि ये एस रैम की निस्बत कम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करती हैं। न सिर्फ कम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करती हैं, बल्कि एस रैम की निस्बत बहुत सारे डेटा को बहुत सारी बिट्स को अपने ऊपर महफूज करने की सलाहियत रखती हैं। दोस्तों यहाँ तक हमने जाना कि रैम क्या है, रैम के ऊपर मौजूद सर्किट्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और रैम की अपनी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कि प्राइमरी मेमोरी की दूसरी किस्म यानी रोम क्या होती है। रोम जो कि मुखफ्फिफ है रीड ओनली मेमोरी का, यानी जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन को यूजर सिर्फ पढ़ सकता है। दोस्तों इसके अंदर पहले से कुछ इंफॉर्मेशन होती है जिसको ना ही आप डिलीट कर सकते हैं, बल्कि इसके अंदर मजीद इंफॉर्मेशन भी नहीं डाल सकते, इसीलिए इसको परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। इसके अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन परमानेंट होती है, यानी कंप्यूटर के बंद करने के बावजूद भी इसके अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन अपनी जगह पर साकित रहती है, रैम की तरह उड़ती नहीं है, इसीलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। दोस्तों रोम के अंदर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर पहले से कुछ प्रोग्राम्स को फिक्स कर देते हैं, और जैसे ही कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं रोम अपने अंदर उन प्रोग्राम्स को लोड कर लेता है। दोस्तों इसके अंदर कंप्यूटर के स्टार्ट होने से मुतालिक इंफॉर्मेशन महफूज होती है। अगर रोम के अंदर वो इंफॉर्मेशन महफूज ना हो तो आप कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं कर सकते। ये कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को चेक करता है और चेक करने के बाद कंप्यूटर को इजाजत देता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम्स को लोड करे, जैसे कि विंडोज या फिर और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स। दोस्तों जिस तरीके से रैम की दो एग्जाम थी, बिल्कुल इसी तरीके से रोम की भी दो या फिर दो से ज्यादा एग्जाम है, पीरोम और ईपीरोम। आइए इनको बारी बारी डिटेल में पढ़ते हैं। पीरोम इसको प्रोग्रामेबल रोम भी कहा जाता है,
दोस्तों ये वन टाइम प्रोग्रामेबल प्रोसेस है, यानी इसके अंदर सिर्फ एक दफा डाटा को प्रोग्राम किया जाता है, वो भी इसकी बनाई के वक्त। इसके बाद आप किसी किस्म के डाटा को इसके अंदर स्टोर नहीं करा सकते। दोस्तों इसकी कंस्ट्रक्शंस के लिए बायपोलर ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत तेजी के साथ अपने अंदर डाटा को महफूज करते हैं। दोस्तों इसको इनकेस किया जाता है, यानी इसको छुपाया जाता है, बंद किया जाता है एक प्लास्टिक कवरिंग के जरिए। इसके बाद है EPROM। दोस्तों EPROM के अंदर मौजूद डाटा को आप इरेज नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से अगर आपको इसके अंदर डाटा डालना होता था तो आपको एक नई EPROM को लेना पड़ता था। तो इसके लिए जरूरत पड़ी एक ऐसी रोम की जिसके अंदर डाटा को इरेज किया जा सके, मिटाया जा सके और नए डाटा को डाला जा सके। तो उसके लिए बनाई गई EPROM। EPROM मुखफ्फिफ है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम का। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर मौजूद डाटा को ना सिर्फ आप पढ़ सकते हैं बल्कि डाटा को अपने मुताबिक राइट भी कर सकते हैं, यानी डाटा को ऐड भी कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन जब बात आती है EPROM की कॉस्ट की, तो अपने इरेजिबल फंक्शन की वजह से, यानी अपनी खसूसियत की वजह से इसकी कॉस्ट EPROM की निस्बत ज्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर डाटा को इरेज करने का अमल बहुत ज्यादा लागत वाला होता है। दोस्तों EPROM इंक्लोज होती है एक ट्रांसपेरेंट विंडो के अंदर, इस तरीके से EPROM बंद होती है एक प्लास्टिक कवरिंग के अंदर। दोस्तों ये यूवी रेज सेंसिटिव होता है, यानी यूवी रेज की वजह से इसके अंदर डाटा को ट्रांसफर किया जाता है। इसके अलावा किसी किस्म की रेडिएशंस या फिर इलेक्ट्रिक नॉइज आपकी EPROM को खराब कर सकती है। ये थी रोम और उसकी टाइप्स। अगले लेक्चर के अंदर हम सेकेंडरी डिवाइसेस को, यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को डिटेल में पढ़ेंगे।